नमस्कार दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है और उस किस्मत को आजमाने के लिए वह हर तरह के उपाय करता है, जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से चलना या फिर फेंगशुई के हिसाब से चलना। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो आप अपने मन से करते हैं तो उसकी वजह से ही आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। यदि आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं या अपनी किस्मत को इस तरह से चमकाना चाहते हैं कि आपके जीवन पे हर तरह की जो भी परेशानियाँ हैं वह सभी खत्म हो जाएं, आपके जीवन में खुशनुमा पल बिताएं, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली खुशियों का पहलू बन जाए, जिसे आप याद करके हमेशा उस खुशियों को याद करें, अपनी खुशियों को महत्व दें। और जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी किस्मत को खुद ही बना लेते हैं। आप यदि सूर्यास्त के समय दूध, दही या फिर सफ़ेद चीज़ किसी को दान में देते हैं तो आपकी किस्मत टूट जाती है। तो आप कोशिश करें कि कभी भी सूर्यास्त के समय ये चीज़ें किसी को भी दान ना दें, चाहे वह कोई जानवर हो या फिर इंसान। कभी भी सूर्यास्त के समय सफ़ेद चीज़ें किसी को दान नहीं देनी चाहिए। आमतौर पर लोग अपनी खुशी को बांटने के लिए घर घर मिठाई बांटते हैं या फिर अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी मिठाई दे देते हैं ताकि उनके अवसर जल्दी मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप कहीं पर ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप अपने ऑफिस के साथ या स्टाफ के साथ 2 महीने में कभी मिठाई ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको नए अवसर मिलेंगे और आपके जीवन में नई खुशियां भी आएंगी। साथ के साथ आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं से पीछा भी छूट जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अक्सर हमने देखा भी है कि घर में कुछ लोग लेट आते हैं, लेट आने पर लेट खाना भी खाते हैं और खाना खाने के बाद जो झूठे बर्तन होते हैं वो सिंक में डाल देते हैं, कभी धोकर या साफ करकर नहीं रखते हैं। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी दूर हो जाती हैं। हमने कई बार सुना भी है, हमारी दादी होती है या फिर हमारी माता पिता सबसे सुना है कि कभी भी रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ के रूठने पर वह कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो आप कोशिश करें कि आप सिंक में रात में बर्तन झूठे बिल्कुल ना छोड़ें, उन्हें हमेशा साफ करके रख दें। यदि साफ नहीं हो पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे पानी डालकर ही रख दें ताकि आपके जो बर्तन हैं वे छूटे नहीं रहेंगे। अपने घर के मेन गेट के सामने कभी भी कूड़ेदान बिल्कुल ना रखें या आसपास का कूड़ा भी इकट्ठा ना करें, क्योंकि अगर आपके घर के मेन गेट के सामने ही कूड़ेदान होगा तो वह गंदगी का घर लगेगा, जिसकी वजह से आपके घर के आसपास कीड़े मकोड़े भी होंगे और लक्ष्मी माँ कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि जब घर बाहर से ही गंदा होगा तो अंदर से तो गंदगी अपने आप ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन वर्षा करें तो उसके लिए आप अपने घर के बाहर बिल्कुल भी कूड़ेदान ना रखें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा मधुरता बनी रहे तो आप अपने घर में महीने में एक बार खीर जरूर बनाएं और खीर बनाने के बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और माता लक्ष्मी के भोग लगाने के बाद सदस्यों के साथ एक साथ बैठकर उस खीर को खाएं। ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता भी दूर होगी और आपके परिवार के बीच में मधुरता आएगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो आप कोशिश करें कि आप खीर जरूर बनाएं। रात को सोते वक्त हमेशा अपने घर में खास कर ख्याल रखें कि आप बाथरूम में एक बाल्टी पानी भर कर रख दें और रसोई में भी एक बाल्टी पानी भर कर रख दें, क्योंकि आपका जो पानी भरा हुआ रहेगा तो आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और आपको नए अवसर की उन्नति भी होगी। आपको नए अवसर मिलते ही रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप पानी भर कर रसोई घर में और बाथरूम में रखते हैं तो इससे आपके घर में धन की वर्षा होती है। तो आप कोशिश करें कि इन कार्यों में से सभी कार्य जरूर करें, क्योंकि ऐसे कार्य करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। अगर सारे काम पॉसिबल ना हो तो 1-2 कार्य जरूर करें, जैसे कि घर में खीर बनाना, क्योंकि यह सबसे आम बात है। घर में सब खुश भी रहेंगे और घर में 1 महीने में मीठा भी खाने को मिल जाएगा। तो यह है वह कार्य, यदि आप करते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।